हमारी टीम निकल पड़ी औरंगाबाद के श्री औरंगाबाद पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के दर्शन करने के लिए। बताया गया कि मुर्शिदाबाद जिला का ये सबसे प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर है, जिसकी स्थापना करीब 128 साल पहले साल 1890 में हुई थी। साल 1990 में इस मंदिर का शताब्दी महोत्सव काफी धूमधाम से मनाया गया था। साल 2015 में इस मंदिर के 125 साल पूरे होने पर भी एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। जानकारी के अनुसार इस मंदिर का 3 बार जीर्णोद्धार हुआ है। औरंगाबाद का मंदिर काफी खूबसूरत है। इसकी दीवारों एवं छत पर कांच से नक्काशी की गई है। वेदी पर मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थापित है, साथ ही साथ अन्य भगवान की 21 प्रतिमाएं भी विराजित हैं। औरंगाबाद की जैन महिलाओं में जहां काफी उत्साह है, वहीं यहां के नवयुवकों में दिगंबर जैन धर्म की प्रभावना बढ़ाने के लिए गजब का उत्साह है। मुर्शिदाबाद जिला के अंतर्गत आने वाले 9 मंदिरों के संगठन के अध्यक्ष भी औरंगाबाद से ही हैं। यहाँ पर भी एक धर्मशाला है। आज हम औरंगाबाद जैन मंदिर के दर्शन किए। ये मंदिर बहुत खूबसूरत है और कांच का भी बहुत बारीकी से काम किया हुआ है। आप इस मंदिर के इतिहास बताइए। इसका इतिहास ये है, हमारे जो औरंगाबाद में जैन समाज बसी हुई है, हम लोग सब राजस्थान के बाई के रहने वाले हैं। आज से करीब 130-135 वर्ष पूर्व हमारे पूर्व पुरुष आजीविका के संधान में इधर आए थे। यहाँ तब श्वेतांबर एक परिवार जैन जमींदार थे, उन लोगों ने हमें बहुत सहयोग दिया, हमारे पूर्व पुरुष को। उनके सहयोग से यहाँ उन्होंने थोड़ा सा व्यापार शुरू किया। पहले तो 3-4 आदमी आए थे, थोड़ा सा व्यापार तब थोड़ा जमने लगा, तो अपने परिवार लोग को बुलाया, धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी। ये मंदिर जो है 3 दफ़े में बना पूर्ण हुआ है। मंदिर अंग्रेजी 1890 की प्रतिष्ठा हुई है। औरंगाबाद में जैन समाज है, उनके परिवार कितने हैं और सदस्य कितने हैं? दिगंबर जैन समाज वर्तमान में परिवार 32 परिवार है यहाँ। ऐसे जनसंख्या करीब 150 है, जनसंख्या तो ज़्यादा थी पर ज़्यादातर लोग बाहर चले गए यहाँ से। मैंने सुना है 9 गांवों का समाज के जैन मंदिरों का एक संगठन है, इसमें क्या विशेषता है? 2001 दिसंबर में अचानक प्रसन्न साय जी महाराज का इधर का तरफ बुहार हुआ, क्योंकि इधर मुनियों का बिहार कभी होता नहीं था। हमारे लिए तो बहुत बड़ी एक अचंभे की बात है, कैसे क्या किया जाए। तब पूरे ज़िले के समाज ने बैठकर एक संगठन बनाया और निर्णय लिया गया कैसे मुनियों का बिहार कराया जाए, उनका यहाँ कैसे भ्रमण किया जिला में। इस उद्देश्य से शुरुआत में ये संगठन किया गया था। और जब भी कोई मुनि और आर्य का इधर बिहार करती है, उनकी पूरी देख रेख व्यवस्था, बिहार कराने का, लाने का, पहुँचाने की सारी व्यवस्था हम लोग मिलजुल कर करते हैं। औरंगाबाद में इतनी खूबसूरत और भव्य मंदिर है, न्यू जनरेशन का इसमें क्या योगदान है? आप इस मंदिर के क्यों, आप हमारे डिस्ट्रिक्ट दर्शन करने आए, तो डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताओ। मैं थोड़ा डिस्ट्रिक्ट के हर मंदिर में युवा वर्गी, यहाँ कोई भी मंदिर में पुजारी नहीं है, हर मंदिर में युवा वर्गी तैयारी करते हैं और कलश अभिषेक में लोग आगे भाग लेते हैं। बुजुर्ग तो ये कहूँगा जो हमारे बुजुर्ग लोग हफ्ता में एक दिन दो दिन अष्टमी कलश ये सब करते हैं, लेकिन युवा वर्गीय जो प्रतिदिन कलश करते हैं। मंदिर में हमारे यहाँ पुजारी कोई नहीं है, हमारे युवा वर्ग ही हम लोग आते हैं, सुबह 6 बजे आके तैयारी सब करके अभिषेक की तैयारी वगैरह करते हैं। और भी कोई भी प्रोग्राम होता है तो न्यू जनरेशन का योगदान रहता है,
और हमारे डिस्ट्रिक्ट में हम लोग 7 दोस्त हैं। हम लोग 7 जन मिलके हर साल लास्ट 5 ईयर से यात्रा करवाते हैं। पहले हम लोग गए थे राजस्थान, फिर गए गुजरात, फिर गए महाराष्ट्र, लास्ट गए थे हम लोग बुंदेलखंड का आधा हिस्सा। इस साल गए थे हम लोग कर्नाटक और तमिलनाडु अभिषेक करा के लाइफ 7 वगैरह में। लगभग हर साल हम लोग 300-350 यात्री लेके जाते हैं। आप भी यहाँ आकर इस प्राचीन मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो औरंगाबाद के इन व्यक्तियों से संपर्क कर सकते हैं।